नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। ओ भाई साहब, क्या हाल है? आई होप जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं आप स्वस्थ होंगे। एक महीने करीब हो गए हमें जैसलमेर से आए हुए। इट्स टाइम फॉर ए न्यू रोड ट्रिप। हर महीने एक छोटी ट्रिप तो बनती ही है। तो आज सैटरडे नाइट है और आज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से माउंट आबू के लिए। अभी रात के करीब 9:30 बजे हैं, तो चलिए आपको एक नाइट ड्राइव पे ले चलते हैं, माउंट आबू घुमा कर लाते हैं। लेट अस स्टार्ट। हाँ जी, तो हम लोग राजकोट से निकले हैं करीब रात को 9:30 बजे। और माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू करीब यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। गूगल के अकॉर्डिंग 8 से 9 घंटे की ड्राइव है। और जो रूट हम लोग लेने वाले हैं वो बेसिकली होगा, यहाँ से अहमदाबाद जाएंगे, अहमदाबाद से फिर हम लोग जाएंगे पालनपुर, और पालनपुर से होते हुए हम लोग घुस जाएंगे राजस्थान आबू रोड। तो हम लोग राजकोट शहर से बाहर निकल चुके हैं और अब हम लोग नेशनल हाईवे पर अहमदाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। रात के करीब अभी 10 बज गए हैं, आधे घंटे तो लग गए हैं सिटी से बाहर निकलने में। तो प्लान ये है कि हम लोग संडे कल सुबह में पहुंचेंगे करीब 10 बजे के आसपास माउंट आबू। थोड़ा टाइम ज़्यादा इसलिए लगेगा क्योंकि मैं रात को मान के चल रहा हूँ कि 3 से 4 घंटे हम लोग कहीं गाड़ी रोक करके सो जाएंगे, और फिर कल का अपना दिन जो रहेगा वो माउंट आबू में रहेगा, स्टे भी वहीं रहेगा। और फिर परसों मंडे को हम लोग वहां से वापस लौटेंगे और अहमदाबाद होते हुए राजकोट आ जाएंगे। रात के करीब 10:20 हुए हैं। अभी हम लोग हैं राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर, राजकोट और चोटीला के बीच में। ये जो बगल में ब्लू वाली बस जो देख रहे हैं, ये है GSRTC की डिलक्स बस इसको कहते हैं, जबकि ये 2x2 है और नॉन एसी है, और नॉन एसी को ही ये लोग डिलक्स बोलते हैं। हाईवे पे ट्रैफिक एकदम भरपूर है, सैटरडे नाइट है, दोनों तरफ से ट्रैफिक है और खूब बसेस चल रही हैं, खूब ट्रक्स हैं, छोटी गाड़ियां भी हैं, और इन्हीं के बीच में लहराते हुए अपन निकल रहे हैं। अभी अपन राजकोट और चोटीला के बीच में कहीं हैं और गाड़ी की जो स्पीड है वो मैं 80 के आसपास ही रख रहा हूँ। गुजरात में क्या है ना कि सैटरडे नाइट को गजब माहौल रहता है, लोग एकदम बावले हो जाते हैं, सब जो है ना गाड़ी लेकर रोड पर निकल आते हैं। नॉर्मल डेज में रात में उतना शायद ट्रैफिक ना मिले, बट सैटरडे नाइट तो यहाँ पे गजब लोग चिल करते हैं। इट्स 11:30 PM और घर से हम लोग करीब 88 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। गाड़ी की MID पर माइलेज 22.4 का दिखा रहा है, तो 21 तो होगा ही, माइलेज अच्छा आ रहा है। और एक्चुअली क्या है कि मैं 90 के ऊपर जा भी नहीं रहा हूँ, हाईवे मोस्टली ठीक ठाक ही मिल रहा है हमें। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कुछ कुछ पैच अब बचा है, कुछ कुछ फ्लाईओवर, नहीं तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है अहमदाबाद हाईवे का कंप्लीट हो चुका है। अभी फिलहाल हम लोग चोटीला और लिमडी के बीच में हैं और राजकोट से नॉनस्टॉप ही चल रहे हैं। लिमडी के आसपास अपन कहीं रुकेंगे, लिमडी के आसपास गैलोप्स आता है, वहीं प्लान कर रहे हैं कि वहीं पर 10-15 मिनट का हॉल्ट लिया जाएगा। रात के 12 बजे हम लोग लिमडी के पास रुक गए। पीछे आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रेस्टोरेंट, अब यहीं पे अपना चाय ब्रेक होगा। तो जी, चाय यहाँ ठीक ठाक मिल गई, हल्की हल्की नींद आ रही थी, मैं भी चाय पीने के बाद जो है ना ये भी चली जाए, उसके बाद 1-2 घंटे चलेंगे तब सोएंगे। ज़्यादा डिस्टेंस तो कवर करना नहीं है, 400 किलोमीटर की दूरी है और आई थिंक उसमें से 120-130 किलोमीटर ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं। और यहाँ का जो वाइब है कुछ ऐसा है, रात में 12 बजे भी पूरी भीड़ है, हाईवे पर ट्रैफिक भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा ही कहेंगे। और ये देखिए भाई साहब, गाड़ी अभी अपनी चमक रही है, अभी तो गंदी हुई नहीं है। क्या है ना कि मिडिल क्लास आदमी के लाइफ में अप्रैल बड़ा खर्चीला महीना होता है। हाँ। नया साल स्टार्ट होता है, बच्चों का सेशन चेंज होता है, स्कूल ड्रेस, जूते, मोजे, स्कूल का फीस, हाँ। मतलब और भी बहुत खर्चे होते हैं। हाँ। तो हम लोग जब मार्च में ट्रिप किए थे जैसलमेर की, तो प्लान नहीं था कि ऐसे अप्रैल में कोई ट्रिप करेंगे, सोचा था कि एक दिन वाली कहीं कर लेंगे, मतलब जिसमें सुबह गए शाम तक आ गए आसपास।
फिर बीच में सूरत जाने का भी मूड हुआ था पिछले संडे, लेकिन इस संडे आते आते एकदम ये हो गया कि नहीं जाना है। और क्या था कि प्लान नहीं था फाइनल, पहले ये हुआ कि जाना है कहीं घूमने, फिर हुआ कि नहीं नहीं काफी पैसे खर्च हो गए हैं, इस मंथ कहीं नहीं जाएंगे। फिर एकदम से आज शाम को इन्होंने 4 बजे के लगभग कहा कि चलो चलते हैं माउंट आबू। तो सुबह कहा था कि चल सकते हैं, हाँ, मैडम हल्के में ले ली कि हाँ, देखा जाएगा। हाँ, मैंने सुबह छुट्टी के लिए अप्लाई किया कि मंडे एक दिन की छुट्टी लेते हैं, महीने में एक ही छुट्टी होती है हम लोगों को। शाम को 4 बजे बोला मैडम, 7 बजे तक सामान वामान पैक करके, खाना वाना बना करके 8 बजे तक रेडी। 7 बजे तक तो मैंने क्लास ली है और 9:30 बजे हम लोग आराम से सामान वामान पैक करके निकल गए। लिमडी और बागोदरा के बीच में हम लोग एक फिर से पेट्रोल पंप पे रुक गए, इसलिए रुके हैं ताकि बेड बनाया जा सके। इस बार तो ज्यादा सामान नहीं है, एक ही बैग लेकर हम लोग चले हैं। लवी और दैविक दोनों अब पीछे सोएंगे, दैविक भी आ रहा है अपने शूज खोल के। ये है हमारे घर का असली मंकी। हाँ, तो बेड तैयार हो गया है, अब अपन निकला जाए आगे। रात के करीब से अभी 12:30 बजे हैं और अभी तक हम लोग बागोदरा भी नहीं पहुंचे हैं, चला जाए। रात के करीब 1:40 हुए हैं और अब हम लोग अहमदाबाद के आउटर स्कर्ट्स में हैं। तो देवी और सज्जनों, रात के करीब 2:45 बजे स्वागत है आपका अहमदाबाद में। सैटरडे नाइट को देखिए, लोग जो है ना कितना खा पी रहे हैं, खाने की दुकानें अभी तक खुली हुई हैं इधर, तो कोई घर जाने को तैयार ही नहीं है। ये हालत है। और शहर की बात करें तो भाई अहमदाबाद भी रात में जो है एकदम जगमग जगमग पूरा है, ट्रैफिक भी वैसे ही है, लोग स्कूटी पर घूम रहे हैं अभी भी रात को 2 बजे भी, और लग नहीं रहा है कुछ कि मतलब कि कोई सोता होता है हर रात में, खास करके शनिवार को। ये ऊपर से मेट्रो वाली लाइन जा रही है और अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस हाईवे पर 2-3 किलोमीटर के बाद एग्ज़िट ले लेंगे, और ये हाईवे तो सीधे गांधीनगर चला जाएगा, हम लोग मुड़ जाएंगे पालनपुर की तरफ। तो जी, गांधीनगर इंटर करने के बाद अब टाइम आ गया है हाईवे छोड़ने का, और यहाँ से हम लोग टर्न ले रहे हैं ये महसाना वाले हाईवे पर। तो अहमदाबाद के आउटर स्कर्ट्स पर ही जहाँ से महसाना हाईवे स्टार्ट होता है वहीं अपन रुक गए रात के 2 बजे, और यहाँ का माहौल देखिए भाई। अपन रुके थे चाय पीने, बट वीना जो है देखिए ये क्या की है, वीना गुजरातन हो गई है, मेरे को बोलती है ये जाके पापड़ी खरीद के ले आई है, जबकि हम लोग घर से डिनर विनर करके चले हैं। गुजरात में आप रात को हाईवे पे निकले और बिना खाए निकल जाए कहीं से बड़ा मुश्किल है, इतना ऑप्शन है ना, और रात थोड़ी ढाबे खुले रहते। तो रुके थे जी हम लोग की चाय पी के निकलेंगे, बट पापड़ी वापड़ी खा लिए और अच्छा खासा खा लिए, पेट फुल हो गया, अब नींद आएगी तो आगे गाड़ी लगा के कहीं सो जाएंगे। रात के करीब 3 बजने वाले हैं और हम लोग अभी अहमदाबाद और महसाना के बीच में कहीं है, और घर से करीब 265 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है पिछले 5.5 घंटों में। अब हल्की हल्की नींद आ रही है, तो अपन क्या है कि कोई ढाबा ढूंढ रहे हैं, कोई ढाबा मिल जाए ढंग का जहाँ थोड़ा चहल पहल हो तो वहीं अपन गाड़ी लगाएंगे और अब 2-3 घंटे रेस्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह के करीब 6 बजे हैं। महसाना से करीब 20 किलोमीटर पहले हम लोग इस रेस्टोरेंट पर रुक गए थे और यहाँ रात भर गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी, तो अभी सुबह 6 बजे मैं उठा हूँ, गाड़ी उधर पीछे लगी हुई है, बच्चे और वीना उसमें सो रहे हैं, और मैं उठ करके बस भाई सुबह की एक कप चाय पी रहा हूँ। तो भैया जो है ना यहाँ चैनल का नाम पूछने लगे तो भैया को सब्सक्राइब भी करा लिया, ऐसे ही सब्सक्राइबर भी अपन बढ़ाते चल रहे हैं। और ये जो जगह है, जगह का नाम क्या है भैया?
नंदा आपके ये होटल का क्या नाम है? सुप्रीम। सुप्रीम, तो ये सुप्रीम होटल है और रात भर ये चालू रहता है ना? हाँ, तो ये रात भर चालू रहता है, तो बस अपन चाय ख़त्म कर ले फिर आगे निकलते हैं यहाँ से। हम लोग अभी महसाना के पास हैं। यहाँ देखिए एक लाइव एक्सीडेंट हो गया, अभी भी हुआ है शायद। ये जो ट्रक है वो डिवाइडर पे जाके चढ़ गया है। तो जी सुबह के करीब 6:10 हुए हैं और हम लोग पहुँच गए जी महसाना। पीछे फ्लाईओवर का काम चल रहा था इसलिए थोड़ा ट्रैफिक जाम सा था, काफ़ी धूल मिट्टी उड़ रही थी, बट अब हम लोग महसाना टाउन के बीच में हैं और कुछ ऐसा है जी सुबह का माहौल। मंजिल पर जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। अभी हम लोग सिद्धपुर नाम का कोई छोटा सा शहर क्रॉस कर रहे हैं। पालनपुर यहाँ से करीब और 35 किलोमीटर्स है। महसाना के बाद हाईवे जो है वो 6 लेन हो गया और काफ़ी स्मूथ है। बीच में एक आध जगह कहीं कहीं थोड़ा बहुत 4 लेन है, जैसे ये पार्ट आपको दिख रहा है, बट 95% 6 लेन ही है। और इधर अपन अच्छी स्पीड पर अब चल पा रहे हैं। सुबह के करीब 6:45 हुए हैं। पालनपुर से करीब हम लोग होंगे 15-20 किलोमीटर पीछे और यहाँ मॉर्निंग रिचुअल्स के लिए रुक गए। ये नायरा का पेट्रोल पंप है, यहाँ पे जनरली वॉशरूम क्लीन मिल जाता है। और देखिए सुबह सुबह बाबू उठकर बैठ चुका है, वीना भी उठ गई है। तो जी लवी तो सो रही है और अभी उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हम लोग। सारा सामान बैग में नीचे पड़ा हुआ है तो अपन यहाँ नहीं ब्रश करेंगे, आगे चलते हैं। अच्छे अच्छे ढाबे तो इधर आराम से मिल जाएंगे, बहुत ढाबे मिलेंगे। 7:30-8 जब लवी उठ जाएगी तब सब इकट्ठे एक साथ ब्रश करेंगे। और नाश्ता तो अपन घर से लेकर आए हैं, बना कर आए हैं, उसका तो कोई टेंशन है नहीं। गुड मॉर्निंग। रात में महसाना के पास में हम लोग गाड़ी लगा के सो गए। ये पहले चले गए सोने के लिए, फिर जब 5 के लगभग ये उठे तो फिर मैं पीछे जाके सो गई। मेरी भी नींद पूरी अच्छे से कंप्लीट हो गई। अब मॉर्निंग हो गई तो आंखों पे सीधे लाइट आने लग गई तो नींद खुल गई। और यहाँ देखिए, यहाँ कुछ जैन साध्वी जो हैं ये लोग यात्रा पर निकले हुए हैं। क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है ना, तो पुलिस की बैरिकेडिंग जो है ना हर कुछ किलोमीटर में मिल रही है। और कास तो फिर भी निकल जा रही है, कहीं कहीं इतना छोटा जगह छोड़ा रखा है कि ड्रग्स को निकलने में काफी टाइम लग रहा है। वो भी वो कटवट मार के कैसे कैसे निकाल रहे हैं। अभी तक तो पुलिस ने रोका नहीं, लेकिन हर जगह पुलिस दिख रही है। और जैसा कि यूजुअली होता है इलेक्शन के टाइम, कुछ कार्स को रोक करके वो डिक्की विक्की सब चेक कर रहे हैं, वही कैश वैश के लिए। तो उस कारण भी कहीं कहीं पे ऐसी छोटा छोटा जाम देखने को मिल रहा है, जहाँ जहाँ पुलिस ने अपना वो चेक पोस्ट बना रखा है। बाकी मौसम अच्छा है, अभी हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, गाड़ी आराम से 80-85 की स्पीड पे चल रही है। ड्राइव में मज़ा आ रहा है। और माउंट आबू और हार्डली और 90 किलोमीटर है यहाँ से। सुबह के करीब 7:15 हुए हैं और अब हम लोग पालनपुर इंटर कर रहे हैं। और ये दाहिने तरफ पालनपुर का डी मार्ट, ये मैंने देखा इधर गुजरात में कि हर छोटे बड़े शहर में हर जगह डी मार्ट मिल जाता है। पीछे महसाना में मैंने देखा मैकडी भी है। बताइए, ऐसे ही नहीं कहते हैं कि गुजरात इतना डेवलप्ड है, छोटे छोटे शहरों में भी मैकडी है।
और जब तक हम लोग पटना में थे तब तक हमारी नजर में तो पूरे बिहार में एक ही मैकडी था, वो भी पटना में, वो भी 5-6 साल पहले ही खुला था, और झारखंड में तो वो भी नहीं है। और ये आ गया जी पालनपुर का मेन चौराहा, लेफ्ट साइड से जो ये सड़क जा रही है ये दिशा जा रही है, दैट इज NH-27। पालनपुर के आसपास ग्रेनाइट का अच्छा काम होता है, आपको यहाँ पे बहुत सारे ग्रेनाइट और टाइल्स के फैक्ट्रीज और शॉप्स देखने को मिल जाएंगे। और ये हाईवे जो है हाल में ही लग रहा है रिपेयर हुआ है, और ये पालनपुर के बाद अब ये नेशनल हाईवे आ गया NH-27। इस पे तो भैया टोल देना पड़ेगा, बाकी अहमदाबाद से लेकर के पालनपुर तक 1 रुपए का भी टोल नहीं लगा। अब पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं, अरावली रेंज शुरू हो गई है, और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सुबह के करीब 8 बजे हैं और हम लोग रुक गए हैं, कोई फूड जोन है शिव लहरी करके, लवी को उठाने की कोशिश जारी है, बाबू उठ चुका है और अपन जो है ना अब यहाँ ब्रश वगैरह कर लेंगे। अच्छा खासा बड़ा जो है वो एरिया है, बहुत सारी दुकानें हैं, बट सुबह का टाइम है तो बंद है। तो ये सब लोग फ्रेश हो गए, हाथ मुंह धो लिए, और क्योंकि घर से नाश्ता लेकर आए थे तो ब्रेकफास्ट भी अपना यहीं चल रहा है। चाय यहाँ से ऑर्डर कर ली, घर का पूड़ी सब्जी और बाहर की चाय, डेडली कॉम्बिनेशन है। तो जी खाना पीना अपना हो गया, नाश्ता डन, अब चाय चल रही है, सामान सारा पैक हो गया है, बस बिल पे किया जाए और अब यहाँ से निकला जाए। हम लोग पहुंच गए जी गुजरात बॉर्डर, और यहाँ पे लंबी ट्रक की लाइन लगी हुई है, हालांकि इधर से निकलते समय तो चेकिंग वेकिंग नहीं होती है, उधर से आने वाली लगभग हर बस की चेकिंग होती है और आई थिंक कार्स में रैंडमली चेक होता है। फिर भी इस साइड भी जो ये बैरिकेडिंग कर रखा है ना, इस वजह से एकदम लंबा लाइन लग गया है ट्रक्स का। तो देवी और सज्जनों स्वागत है आपका राजस्थान में, और देखिए बार एंड रेस्टोरेंट। तो हम लोग पहुंच गए जी आबू रोड, इंटर कर गए राजस्थान, सुबह के करीब 9:45 हुए, 8:45, घर से हम लोग 420 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। MID पर टेम्परेचर जो है आउटसाइड वो 31 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। आबू रोड एक छोटा सा शहर है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, बड़ा खूबसूरत सा शहर है, और अब समय आ गया है कि इस हाईवे को हम लोग थोड़ी देर में छोड़ेंगे और माउंट आबू की चढ़ाई जो है वो शुरू करेंगे। गजब नजारे हैं, पूरे पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं अच्छे से, अब तो पास से दिख रहे हैं, और एकदम ना वेस्टर्न घाट जैसा नजारा आ रहा है, और बरसात में तो क्या मजा आता होगा यहाँ आने में। एंड द घाट सेक्शन स्टार्ट्स। चलते कम होती जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी, सफर अनजाना।
ऐसा है। खाट सेक्शन पे चलाने में पूरा आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, सबको एक्साइटेड है और थोड़ा थोड़ा जो है ना वो महाराष्ट्र वाला फील है जो वेस्टर्न घाट्स में हम लोग गाड़ी चलाते हैं। अब हिमाचल वगैरह से तो नहीं कंपेयर किया जा सकता है कि भाई गुजरात और राजस्थान के लिए तो ये मतलब यही समझ लीजिए यही हिमाचल है, यही उत्तराखंड है। बहुत बंदर है भाई, लवी तो मंकी देख के ज्यादा एक्साइटेड हो रही है पहाड़ से। सफर नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। क्या मस्त व्यू आ रहा है एकदम पहाड़ों का और हम लोग अच्छा खासा हाइट ऊपर आ गए हैं। टेम्परेचर अब नीचे के मुकाबले 4 डिग्री कम है। आबू रोड में टेम्परेचर 31 के आसपास था बट यहाँ पर देखिए MID पर 27 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। तो हम लोग जी माउंट आबू पहुंच गए, माउंट आबू इंटर कर रहे हैं। अब यहां पर कार का टोल टैक्स लगेगा, एंट्री चार्ज। तो जी टोल कट गया अपना और वेलकम टू माउंट आबू। अब अपन चलते तोरण गुजरात भवन। अच्छा गुजरात भवन यहां भी है जी, बताओ माउंट आबू पे गुजरातियों ने कब्जा कर रखा है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये पेड़, पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं इधर पीले पीले, और यहाँ टेम्परेचर फिर से वापस 30 डिग्री हो गया धूप में, उधर पहाड़ों में जो है ना वो 26-27 था। होटल हमने क्या किया है कि ऑफलाइन बुक कर रखा है, एडवांस पेमेंट कर रखा है, होटल ममता करके है। अब वहीं चलते हैं, वो नक्की लेक से हार्डली 400-500 मीटर की डिस्टेंस पे है। हाँ जी इट्स 9:45 AM और करीब 12 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुँच गए माउंट आबू। डिस्टेंस रहा करीब 450 किलोमीटर। रात में मैंने जो 400 किलोमीटर बोला था ना वो गूगल कुछ और रूट दिखा रहा था, वो सुरेंद्र नगर वाला जो रूट है। हाँ सुरेंद्र नगर वाला, हम लोग आए अहमदाबाद होके तो 450 किलोमीटर और रास्ते में 3 घंटे सोए तो 12 घंटे की ड्राइव रही। टोल कुछ खास लगा नहीं, ड्राइव में बड़ा मज़ा आया, बाकी इन पहाड़ों में चलाने का भी अलग ही मज़ा है। मौसम अब बाहर निकले हैं गाड़ी से तो ठीक ठाक है, मतलब गर्म नहीं है, बस ये तो नहीं कह सकते बहुत ठंडा है। तो समय आ गया अब इस ब्लॉग को एंड किया जाए। अब हम लोग होटल में चेक इन करेंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वो सारी चीज़ें आप अब अगली ब्लॉग में देखना। आई होप आपने ये ब्लॉग इंजॉय किया होगा, फिर जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। पहाड़ों पे जाके इस दिल की ख्वाहिशें गुनगुनाएंगे।